Subscribe and press the bell icon for latest update. यूपी के मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली आलिया खान नाम की लड़की ने भगवान कृष्ण जी की वेशभूषा में गीता का पाठ पढ़ लिया और इस वजह से उलेमा नेताओं ने कड़ी निंदा की और कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं, उलेमाओं ने आलिया के खिलाफ साल का पहला फतवा जारी कर दिया। आइए आपको दिखाते कि फतवा जारी होने पर आलिया का क्या कहना है। आलिया खान, आज काफी हॉट डिबेट रही है आपके इस मैटर पर। जी बिल्कुल। क्या कहना, आपने देखा होगा सारे टीवी चैनल्स पर। मैं तो यही कहना चाहूंगी, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने किसी धर्म के उससे नहीं पढ़ा था ये सब गीता, मैंने ज्ञान के लिए ही पढ़ी थी। और मैं जब भी मुझसे सवाल होगा मैं हमेशा यही जवाब दूंगी, मैंने किसी धर्म के बेस पे ये नहीं पढ़ी गीता, मैंने ज्ञान के लिए गीता पढ़ी है। वहीं बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत का कहना है कि जो फतवा जारी किया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है और हर बात पर फतवा जारी करना भी गलत है। और जिन्होंने फतवा जारी किया है मैं उनसे कहता हूं कि अब तो तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर देखने के बाद और तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद अब कम से कम फतवा जारी करने में संकोच करें, अनावश्यक हर विषय पर फतवा जारी करें तो ये अच्छा नहीं है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।